तक मुझे माँ का प्यार नहीं मिला है, इसीलिए तुम्हें देखकर मेरे दिल में आया तुम मेरी माँ के जैसी हो। मेरी जुबान से माँ निकल गया, लेकिन बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं ही वो अम्मा का तेरी माँ हूँ बेटा, वो अम्मा मैं ही हूँ। नहीं बुरी माँ, तू मेरी माँ नहीं हो सकती हो। अगर कच्चे तू मेरी माँ हो तो अपने आप से मुझे क्यों अलग किया? आखिर अपने आंचल से मुझे क्यों सुदा किया? अगर तुम मेरी माँ हो बेटा, अगर कच्चे तुम मेरी माँ हो तो अपनी ममता से मुझे क्यों वंचित कर दिया था माँ? बेटा वो भी मैं बताऊंगी कि किस लिए तुझे इतनी दूर रखा। बेटा मेरी कहानी सुनेगा, मेरी कहानी सुनेगा, तेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी बेटा। आखिर क्या बात है बेटा, आखिर कौन कैसे मुझसे बतान पड़ी थी जो कि अपने से मुझे मैं बताती हूँ बेटा। आज के 18 साल पहले, आज के 18 साल पहले की बीती हुई कहानी है मेरे बेटा। मैं स्कूल की एक टीचर थी, एक शिक्षक थी, मेरा नाम निर्मला, बच्चों को शिक्षा देते कर मैंने भी भगवान से बहुत सपने सजाए थे, लेकिन उन हराम जादों ने नगराज और गजराज मेरे माथे पे कलंक का टीका लगा दिया बेटा। वो कलंक का टीका कोई और नहीं, तू है। अगर तुझको लेकर उस हराम जादी की हवेली जाती तो तुझे भी मार डालता और मुझे भी मार डालता, और तुझको लेकर के गांव की तरफ जाती तो लोग ताने मारते, ईंटें पत्थर मार के निकाल देते। इसलिए मैंने सोचा मैं एक झाड़ी में तुम्हें छुपा दिया, और उस रास्ते से कोई गुजर रहा था, मैं छुप के देखा कि तुम्हें कौन ले जाता है। तब वहां पर उस सुरजन के सान पहुंचते, आपको गोद में उठा लेते हैं बेटा, आपको उठा के वो अपने घर ले जाते हैं, आपका नाम भी रखते हैं, मैं सब कुछ पूछ लेती हूँ, लेकिन बेटा मैं कोई नहीं और नहीं, वही अम्मा की माँ हूँ, आप मेरे घर से लगू बेटा। माँ बेटा मैं इसी वक्त उस कुत्ते के हवेली जाऊंगा। ठीक है बेटा, मेरी फिक्र मत करो, आप जाओ और इन्हीं हाथों से गोमती को बचाऊंगा। लेकिन माँ क्या बात है बेटा, आप यहाँ से सीधे इंस्पेक्टर के पास जाइए। ठीक है, और जाकर शंकर इंस्पेक्टर से बता देना कि आपकी बेटी को गोमती को उठाकर गजराज और नागराज ने अपनी हवेली ले गए हैं। ठीक है बेटा, ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ उसकी हवेली। या भगवान, आज मेरा बेटा मुझे 20 साल बाद मिला, कितना सयाना हो गया, कितना अच्छा है। या भगवान तूने मेरे बेटे को इतने दिल ध्यान दिया, अरे काहे के तो सबके हुआपन, काहे के तो सबके हुआपन, आप
कहावे वाले बा कहे के तु प्रभु के हुआ अपन अपन कहावे वाले बा सुखवात सबु के उबाते सुखवात सबु के उबाते सुखवा बतावे मैंने कौतुक और लाख समझाया लेकिन उसके दिल में केवल वही बात भरी हुई है केवल दीपक। अरे ठीक है सर, क्या हुआ सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या बात सर? क्या हुआ? आपकी बेटी का नाम घूमती है। हाँ हाँ, वो हराम जाता नगराज और गजराज आपकी बेटी को अपनी हवेली पे आपकी बेटी को गिमनाइट करके ले गया। नागराज और गजराज? हाँ, मैं बचा उसी कमीने ने, मैं उसको बचाना चाहा, वो हराम जाता मुझे मार के रास्ते में ढूंढने पे होश हो गई पड़ी। ऐसी बात है तो हम ऐसे लोग जो है उसके हवेली जाते हैं, हम देते हैं उस हराम जादे को। ठीक है ये सर, और सलाम जादे गजराज से के इतनी बड़ी औकात हो गई वो मेरी बेटी को सही कहते हैं सर। एक पुलिस वाले के कालन में हाथ डाला है, अब मैं उसे बताऊंगा कि कानून क्या होता है। सही कहते हैं, हरामजादों को हम सजा देंगे और बराबर सजा देंगे। और उस वक्त वो हरामजादा गजराज और नागराज अपने आप को क्या समझता है? आज चलते इस काले को उसको चूना लगाकर मारेंगे। ये आ गए हमारे नंबरदार मानेगा जितेंद्र सिंह। अरे लेकर आओ गंगा गोमती को। आवा हो गोमती, आवा गोमती, क्या बात है? अब हम तेरे साथ भी वही वाकिया करेंगे। क्या? जो हमने पहले निर्मलिया के साथ किए। नागराज तो इसको भर वो दीवानी ओ मस्तानी आइटम बम है तोहरी जवानी गाली बात तोहरी कर रहे हो। बुढ़ा में कौनो जोश ही नहीं होते,
का हो कहावत नहीं सुने है का? क्या कि बुढ़ा के बुढ़ा ना समझा ओके ठाठ वहाँ है तलवरिया है पुरान लेकिन काट कहानी का मजा बंद साले को बहुत सही वक्त पर आए हो आखिर गोमती ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो कि उसके साथ अन्याय कर रहा है बहुत दर्द है का बात है रे अरे 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 नागराज जो वाकिया हम आज से 20 साल पहले निर्मलिया के साथ किए थे वही आंखों देखा हाल तू इस गोमती के साथ करके इस साले को दिखा आखिर तू यहाँ क्या करने आई है क्यों आई है माँ काहो नागराज एक तो तुम बतावत रहे कि सुरजनवा के बेटा है ये तो तू निर्मलिया को माँ बोलत है वही बात तो हमरे समझ में नहीं आ रही चूना लगा के अरे निर्मलिया ये तुझे माँ क्यों कहता है हराम जादे कमीने गाली मत दे आज के 20 साल पहले जो तूने मेरे माथे पे कलंक का टीका लगाया था हरामजादे वो यही कलंक का टीका है ओ अब समझे हैं हम एकरे मतलब कि ये वही छिनारा वाला है का नागराज अब का देखते उतरवा देख रहे बदन के पूरे कपड़े हाँ हम ठाकुर हैं कीड़े पड़े साली चाहे सुनवा हमको किसी चीज की चिंता नहीं है समझे कहाँ कौन सा घड़ा कुत्ते तुझे तो शर्म से मर जाना चाहिए क्योंकि तेरे बालों में सफेदी आ गई है अरे गोमती गोमती तेरी बेटी के समान है का करिए हम सबका पीटीए मानव तो कहा जाब रहे काले के पैर लड़ते हैं चपका हुई दादा जवानी में डूबा है बुढ़ा मनई ना अबे अपनी आदत तो सुधार ले ठाकुर का है ऐसे पिलाई पहनेंगे तू जरा हम सारे जिंदगी मार साले को मार बोल ये तो हमारा पुराना दस्तूर चल रहा हम जहाँ जाते हुआ इज्जतियाँ का कथन है तेरे को शर्म नहीं आ रही पुलिस वालों की तिलाई कर अबे पुलिस वालों को अगर ज्यादा बोलने की कोशिश की तो कसम पैदा करने वाले की ऐसा निहुरा के पिछुआरा में ठोकेंगे कि जिंदगी साले झंड हो जाएगी वहाँ का नहीं वो तो हम तुमको दे दिए हैं तैयार हो जा एक काम कर ले शंकर इंस्पेक्टरवा को ठाकुरों से दुश्मनी लेने का अंदाजा दिया जाएगा
एकरे बिटिया के पैरों में घुंघरू बंधवा दे तो फिर एकरे चाल देखेंगे। आंद्रे घुंघर नहीं गोमती, नहीं, इन कुत्तों के सामने तू नहीं नाचना। अरे तुम का चिंता करत है, अच्छे अच्छे की हवा निकलती हमसे। अब देखिए गोमती कैसे ताक दिना दिन, ताक दिना दिन, ताक दिना दिन करेगी। गोमती अब ये बाजी तेरे हाथ में है, चाहे तो जीत जा और चाहे तो हार जा। जब तक तेरे पैर चलेंगे तो इन सब की सांस चलेगी, अगर तेरे पैर बंद हुए तो ठाकुर गजराज सिंह की पिस्तौल चलेगी। गोमती क्या बात है, नाचना नहीं तो ये कुत्ते साले कुछ भी कहे। कुत्ते साले कुत्ते